इधर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भिलाई में एक सभा में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जयंती स्टेडियम ग्राउंड में गुरुवार को महिला समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। भीड़ भरी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी उपक्रमों का निजीकरण कर रही है, केंद्र की नीतियों से जनता का नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है। आज छत्तीसगढ़ में एक ऐसी प्रदेश की सरकार है जो पुरानी वाली राजनीति के असूलों पर चल रही है। केंद्र की सरकार ने गरीबों और मिडिल क्लास से छीना है और छीन के अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सींचा है। छत्तीसगढ़ की इस प्रदेश सरकार ने एक एक पैसा आपके जेब में वापस डाला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का श्रेय लेते हैं। उन्होंने पूछा कि अगर ऐसा है तो यूपी में किसानों को धान की इतनी कम कीमत क्यों दी जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं का पूरा ख्याल रखा है। मैंने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आकर धान खरीदी का श्रेय लेते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मोदी जी की सरकार छत्तीसगढ़ का धान खरीद रही है तो उत्तर प्रदेश के किसान अपना धान 1200 या 1400 रुपए में क्यों बेच रहे हैं, वहां कहीं की सरकार है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शुरू से ही छत्तीसगढ़ में महिलाओं को हमेशा बराबरी का स्थान मिला है। इस मौके पर उन्होंने सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थलों को संवारने, छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू करने की घोषणा की। तो आज हर प्रकार से तीज त्योहार मान बढ़ाए के काम, महिला मल्ला सम्मान दे के काम हमारे सरकार के द्वारा लगातार बहुत ज्यादा देर और नहीं रहते हुए हमें जैसे अपन छत्तीसगढ़ ला सजाया के काम करा था, छत्तीसगढ़ के बेटी बेटा मल्ला संपन्न सक्षम बनाए के काम करा था, वही प्रकार के जतका भी हमार तीर्थ स्थल है, ऐतिहासिक धरोहर है, सब ला सजाया संवारे के काम लगातार करा था। छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू करे के मैं मौका में घोषणा कर रहा था। छत्तीसगढ़ में 3 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनावी तैयारियों में भिड़ी कांग्रेस लगातार बड़े नेताओं की सभाएं करवा रही है। प्रियंका गांधी इस साल तीसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंची हैं। राजनीतिक दलों की कोशिश हर वर्ग के लोगों को साधने की है, इसमें कौन कितना कामयाब होता है यह तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। दुर्ग से INN 24/7 के लिए आनंद ओझा की रिपोर्ट।